क्यों तकलीफ का ये लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, लिफ्ट भी नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं आती हूँ। बहुत परेशानी है, मैं तो हट जाती हूँ। देखिए अभी तक भी आपका रेगुलर आना जाना होता है मैम जी, तो आपने इतने दिनों से किसी की शिकायत की कहीं पर? कोई शिकायत तो नहीं किया किसी से, जनता है किससे परेशान रहते हैं आप? तो आम आदमी पार्टी के लोगों से कहा, मैंने कहा और आज भी मैंने कहा, वो साहब अपने आप को लोकसभा का अध्यक्ष बता रहे थे इस एरिए का। अच्छा, और वो कह रहे थे इसकी जरूरत ही नहीं है। ये क्या आप सबूगा छोड़ रहे हैं आप? किस चीज की जरूरत नहीं है? क्या एस्केलेटर की, शेड की, लिफ्ट की, लाइटों की? लाइटों की इनकी जरूरत ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर एक मुद्दा ये है, यहाँ पर एक लाइट नहीं है और एस्केलेटर नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ही लिफ्ट है। इन तीन चीज़ों की कमी यहाँ पर है। बिल्कुल लाइट सिस्टम बिगड़ा हुआ है, अंधेरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ से सीढ़ियों से आना पड़ता है, मजदूर कमज़ोर लोग और महिलाएं भी यहाँ से सीढ़ियों से आती हैं और थक जाती हैं, जो बीमार होती हैं वो परेशान होती हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन DMRC और भी यहाँ पर जो नेता है बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ हैं शहजाद भाई जो कि BJP के प्रवक्ता है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इस मसले का हल क्या होगा और ये कब तक इस तरह से इनके साथ, इस शाहीन बाग मेट्रो के साथ भेदभाव किया जाएगा और कब ये कमियां पूरी की जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं उन्हीं से। देखिए सबसे पहली बात ये है, यहाँ ये जो शाहीन बाग अबुल फजल इलाका है, यहाँ लगभग 4 लाख लोग रहते हैं। 4 लाख लोगों से आप देखिए यहाँ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है मेट्रो जो यहाँ से कमाती है, जो DMRC है। आज 8-9 साल के आसपास हो गया इस मेट्रो को यहाँ बने हैं। आप देखिए उस वक्त से और आज तक यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो जरूरत है आवाम की, एक एस्केलेटर यहाँ पर नहीं है, एक लिफ्ट यहाँ पर नहीं है, एक शेड यहाँ पर नहीं है, लाइटें यहाँ पर नहीं है, कैसे वीरान पड़ा है। और ये शाहीन बाग की तरफ है इसलिए ऐसा है, आप उधर जाकर देखिए जसोला की तरफ, दो दो वहां पर लिफ्ट है, दो दो वहां एस्केलेटर है, लेकिन सबसे ज्यादा, जबकि उधर आवाम जो है इसके मुकाबले कम वहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यहां अगर आप देखें तो भीड़ लगी रहती है, अभी भी आप देखें किस तरह से भीड़ लगी हुई है आने वालों की, ये देखिए आप। तो हजारों लाखों लोग, लाखों की तादाद में रोज ट्रैवल करते हैं, रोज यहां सीढ़ियों से चढ़ते हैं, रोज मेट्रो से अपना जो उनका रूटीन वर्क है वो जाते हैं और आते हैं। लेकिन जो दिल्ली की DMRC है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, वो इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं दे रहा है। लाइटें यहाँ पर नहीं है, आए दिन यहाँ पे स्नेचिंग भी होती है, किसी का फोन छीन लिया जाता है, किसी के साथ में चेन छीनने की वारदात होती है, किसी के साथ में पर्स छीनने की वारदात होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है इलाके के लिए, और खास करके DMRC को सोचने की जरूरत है कि इतना मोटा रेवेन्यू इस इलाके से DMRC जनरेट करती है, कमाती है, तो क्या ये बेसिक चीजें जनता को यहाँ पे मुहैया नहीं कराएगी? कराना कब से चल रहा है ऐसा? ये कब से चल रहा है ऐसा कि अभी तक कोई इंतजाम नहीं है? 7-8 साल हो चुके हैं, बल्कि 9 साल के आसपास इसको होने जा रहा है लगभग, लेकिन यहाँ पर बेसिक जो चीजें हैं उस तरफ मैंने बताया ना, दो दो वहाँ पर एस्केलेटर भी है, लिफ्ट भी है, लेकिन आप यहाँ इलाके के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहांगीर साहब हैं हमारे ही शाहीन बाग में ही रहते हैं, आप देखिए तमाम जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं वो लोग चढ़ के जाते हैं, कम से कम 100 या 100 के आसपास सीढ़ी होंगी, चढ़ने में हालत खराब हो जाती है, बच्चे कैसे चढ़ेंगे सीढ़ियों से, औरतें महिलाएं कैसे चढ़ेंगी, बुजुर्ग कैसे चढ़ते होंगे, आप अंदाजा लगाइए। ना यहाँ पर एक एस्केलेटर है, ना लिफ्ट है, ना यहाँ पर शेड है, बारिश जब होती है तो तब कितनी परेशानी होती है, धूप होती है कितनी परेशानी होती है, लाइट नहीं है। और ये मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्षद साहिब हो चाहे विधायक हो, बिल्कुल इस मुद्दे पे आज तक उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। चर्चा तो छोड़िए, कोई एक ज्ञापन तक नहीं दिया, जबकि ये हारे हुए और जीते हुए नुमाइंदे का काम है। लेकिन यहाँ जनता खड़े होकर गुहार लगा रही है और ये आवाज उठा रही है कि ये होना चाहिए, और दिल्ली जो DMRC है उनसे हमारा अनुरोध है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है,
कि वो इस बात पर तवज्जो दें और यहाँ एक एस्केलेटर लगवाएं, एक लिफ्ट लगवाएं, इस पे शेड लगवाएं, लाइटें यहाँ पर लगवाएं, बहुत जरूरत है इस चीज की। जैसे कि देखा गया है और मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी होनी चाहिए और इतना लंबा करीब 200 मीटर का ये मतलब पैसेज, मतलब पैसेज है पब्लिक का, और यहाँ से अभी जब ट्रेन आती है तो आप देखें कम से कम 200 आदमी से ज्यादा यहाँ उतरता है और 200 आदमी से ज्यादा यहाँ हर ट्रेन में जाता है। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ है, जबकि अभी मतलब रश का टाइम नहीं है, फिर भी अभी भी 100 से 150 आदमी अभी भी आ रहा है। आप लोग भी आते जाते हैं? हम लोग भी आते हैं और कैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 200 सीढ़ियाँ हैं, बहुत मुश्किल से चढ़ पाते हैं। इधर तेज धूप होती है, कभी टाइम ऐसा होता है कि बहुत तेज धूप है, कभी बारिश हो रही है और लाइट बिल्कुल नहीं रात में अभी, तो यहाँ स्नैचिंग से लेकर के प्रॉब्लम तो है। मैम कम से कम 100 सीढ़ियाँ हैं हर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर, लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है, जो सीढ़ियाँ होती हैं संचालित सीढ़ियाँ, वो यहाँ नहीं। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? बहुत परेशानी है, मैं तो हफ जाती हूँ। देखिए अभी तक भी आपका रेगुलर आना जाना होता है मैम जी, तो आपने इतने दिनों से किसी की शिकायत की कहीं पर? कोई शिकायत तो नहीं किया किसी से, जनता है किसी से परेशान रहते हैं आप जी। तो क्या चाहते हैं आप यहाँ पर होना, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं लिफ्ट हो जाए, लिफ्ट लगे जी। मैं जी। हाँ बिल्कुल, ये मेरी मदर हैं, ये सही कह रही हैं आप। मेरे तरह लोग सैकड़ों डेली आते हैं, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऑफिस जाते हैं, मैं भी डेली ऑफिस जाता हूँ गुड़गांव के लिए, लेकिन चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ एक एलिवेटर एटलीस्ट तो होनी चाहिए जी, जो कि सबकी जरूरियात है, मेरी नहीं पर्सनली सबकी जरूरियात है, जितने लोग हैं बस यही मैं कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी से हो सके एलिवेटर का यहाँ इंतजाम हो ताकि सबके लिए जरूरत का इंतजाम जल्दी जल्दी। सर आज आप लोगों ने आवाज उठाई है, इससे पहले आप लोगों ने क्या आवाज उठाने की कोशिश करी नहीं करी? इससे पहले आवाज नहीं, इससे पहले आवाज क्या उठाएं, मतलब यही होता है कि भाई अब किसको आवाज दें, किसको रिपोर्ट करें, कोई रिपोर्टर नहीं इधर, किसी को बताएं, विधायक को बताएं, या मतलब जो यहाँ का अभी चुने हुए लोग हैं वो हमारी साहिबा हैं, वो चुनी हुई हैं, कुछ हारे हुए लोग हैं, अरे दोनों में से कोई तो एक्शन लो भाई, कुछ तो एक मुद्दा उठाओ। आज तक एक मुद्दा नहीं उठाया, आज करीब 9 साल हो गए इस मेट्रो को यहाँ से चलते हुए, मैं कितने बार जाता हूँ तो मतलब जवाब दे जाते हैं खुद ने जी बिल्कुल। अब मेरी उम्र 70 से ऊपर हो रही है और मुझसे ज्यादा उम्र का सीधा यहाँ लोग रहते हैं और मुझसे ज़ईफ़ भी हैं और कमजोर लोग भी हैं, जवान भी है तो बूढ़े भी, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जब सर्विस को जाते हैं लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जाते हैं या फिर किसी काम से जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल है, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में कैसे निकले आप लगेज भी होता है। जो शमशा साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, ये होना चाहिए, यहाँ पे इतना परेशानी है, यहाँ के आवाम को बहुत ज्यादा परेशानी है, यहाँ पे शेड भी होना चाहिए, लिफ्ट भी होनी चाहिए, स्लाइडर भी होना चाहिए, और इतना परेशानी है, परेशानी को सोचते हुए डीएमआरक्यू को हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये बैग भी लेकर आ रहे हैं सीढ़ियों से, जो तो लोग लगेज लेके आते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सिंगल भी सीढ़ियों से निकल पाते हैं, इतना ज्यादा सीढ़ियां। सर यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है, रात में डर लगता होगा कि और इतना डार्क रहता है यहाँ पे, लोगों के पर्स पे छीन लिए जाते हैं, कई मोबाइल छीन लिए जाते हैं और हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो यहाँ देखते देखते परेशान आ गए हैं, इतनी परेशानी है, यहाँ पे हमारे लिए कुछ करना चाहिए। सर एक बात बताइए, मेट्रो तो है जसोगा का मेट्रो, शाहीनबाग का तो मेट्रो स्टेशन है नहीं, नहीं तो बना दोनों का नाम है नहीं, शाहीन नाम जो है शाहीनबाग जसोला है, दोनों का है और ये शाहीनबाग से कितना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है, जसोला तो कुछ भी नहीं होता, जबकि उधर स्लाइडर भी है और लिफ्ट भी है, सारी फैसिलिटी उस साइड में है, साइड में कोई फैसिलिटी नहीं है, और यहाँ की जितना पब्लिक जाती है वहाँ कोई पब्लिक 10% पब्लिक मदर से नहीं आती है। क्या नहीं लगता सर बहुत ज्यादा दूर है इसी वजह से नहीं दे रहे होंगे शायद? नहीं तो ये तो रिवेन्यू भी नहीं है ना, जितना रेवेन्यू आ रहा है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, अगर रेवेन्यू कलेक्ट करके देखा जाए और 10% भी लगा दिया जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। हमारे रेवेन्यू से तकरीबन 200 लीटर का पैसेज है और 9 साल से ये ऐसे ही चल रहा है, 72 स्टैक्स हैं जो यहाँ से चढ़ते हैं वो एक एक्स्ट्रा है और ये लोहे का बना हुआ है, गर्मी में कितना गर्म हो जाता है, कोई तो शेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर चढ़ते चढ़ते बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सबको परेशानी होती है इससे, और मैं इसके बारे में लोग कहते होंगे किसी से नहीं कहा लेकिन मैंने आम आदमी के कई लोगों से कहा, कई बार कहा, वो तो कहते हैं ये बन ही नहीं सकता, इसकी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं तो पैसे दिया क्यों है, शाहीनबाग का बंद कर दो, लोग कहीं से जाएंगे, क्यों जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है उन लोगों को, और जब जब स्टेयर बन गया है तो एस्केलेटर क्यों नहीं लग सकता,
जबकि गवर्नमेंट का रूल है एक बाथरूम पे भी अगर चढ़ना हो कुछ व्हील चेयर को तो उन्हें वो रैंप देना होगा, एक बाथरूम पे भी, पब्लिक टॉयलेट पे भी। आम आदमी पार्टी के लोगों से कहा, मैंने कहा और आज भी मैंने कहा, वो साहब अपने आप को लोकसभा का अध्यक्ष बता रहे थे इस एरिए का। अच्छा। और वो कह रहे थे इसकी जरूरत ही नहीं है, ये क्या आप सुबह छोड़ रहे हैं? किस चीज की जरूरत नहीं है? क्या एस्केलेटर की, शेड की, लिफ्ट की, लाइटों की? लाइटों की इनकी जरूरत ही नहीं है, छिनते रहे पर छिनते रहे, चेने छिनते रहे, नहीं है। कहते हैं इसके नीचे तो ये गंगा बह रही है, तो मैंने कहा गंगा भी बनाए ना, ये तो गंगा नहीं है तो वो क्यों नहीं बना, वो भी बनना चाहिए। लिफ्ट की, एस्केलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत, बेसिक जरूरत है। कोई भी आदमी, नौजवान की मैं बात कर रहा हूँ, वो चढ़ के दिखा दे बिना सांस फूले अगर उसकी रह जाए, 72 है, वन टाइम चढ़ेगा वो। सर उधर से तो है लिफ्ट वगैरह, तो आप उधर जाए पहले, हम तो जामिया से चढ़े, ग्रामीण सेवा में बैठे और जामिया से चढ़ जाए, ओखला विहार से चढ़ जाए, इस पे ना चढ़े। ये हमें क्यों दिया है, ये हमारी फैसिलिटी किस लिए? 4 लाख लोग, 1 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, और वो लोग अगर अपना पैसा देते हैं तो 9 साल में आप कैलकुलेट कर लिए, उतने तो पैसे हमसे आ गए, 10% भी पैसे लगाया होता हमारा। ये ऑक्युपाई कर लिया है भिखारियों ने, मेट्रो को या स्टाफ को या उसकी सिक्योरिटी को कोई मतलब ही नहीं है, इसे एकदम लावारिस छोड़ दिया है। और ये शेड जो है ना, इन पे जंग लग के गलने लग गई है, तो कोई शेड नहीं है, बारिश में भी खराब होता रहता है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हमारी है, वो जंग खा रही है, किसी चीज का कोई ध्यान इस पे नहीं रखा जा रहा है। किस तरह से समाधान चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए समाधान? सबसे पहला इसमें मेन जो सबसे पहले है वो एस्केलेटर और लिफ्ट होनी चाहिए, सेकेंड इस पे शेड होनी चाहिए, ये तो दो बहुत मस्त है, तीसरे और कोई इसे प्रॉफिट लेना है ना, दुकानें चाहिए ना, मकान चाहिए, हमें ये सर्विस चाहिए जिसका हम पैसा दे रहे हैं। बहुत से मेट्रो स्टेशन है सर, चमक रहे हैं, धमक रहे हैं बहुत, मतलब रात अभी रात में आप क्या उधर इसमें अपने उतर के दिखा दीजिए, आप यहाँ तो रोशनी है यहाँ से आ रही है, अब स्लाइड तो नहीं होगी रोशनी, वो तो सीधी जाती है, इसकी नजर कमजोर, गिर भी जाते हैं लोग डेली, गिरते हैं यहाँ, सर फूट जाते हैं, नाकों में खून निकल जाता है लोगों के, तो किसी को कुछ पता नहीं है। डीएमआरसी को चाहिए, जब यहाँ पर दिया है तो ये फैसिलिटी भी हमें मिलनी चाहिए कि बुजुर्ग चढ़ जाए, बच्चे चढ़ जाए, क्या ये गवर्नमेंट का रोल नहीं है? एक बाथरूम के ऊपर भी अगर आदमी चढ़े तो ये रोल है कि उसके व्हील चेयर के लिए रैंप होना चाहिए। यहाँ पर कैसे हम बुजुर्ग जाएंगे, कैसे बच्चे जाएंगे? नौजवान कितने हैं? 40% नौजवान ले लीजिए, बाकी बच्चे, औरतें, महिलाएं 60% तो होंगी, वो कैसे चढ़ती होंगी? ये सर एक बार बताइए, आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट वगैरह नहीं करी ऑनलाइन वगैरह कहीं? अभी अभी आपने देखा जहांगीर साहब ने क्या क्या गौर किया, कंप्लेंट की उन्होंने, और यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पे मौजूदा कहीं ना कहीं पावर में है, वो ये कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब ये नहीं है। फेलियर है उनका बहुत बड़ा। डीएमआरसी वगैरह कुछ कंप्लेंट, हम तो करेंगे, आज इनिशिएटिव लिया है ना, आज जनता ने, हमने मिलके यहाँ पे इलाके के लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका कंप्लेंट भी करेंगे, और जब तक ये मसला हल ना हो जाए तब तक हम कहीं ना कहीं। सर सब ऐसा है क्या, शाहीन बाग के साथ शौचालय व्यवहार किया गया, क्योंकि राजीव चौक हो, साउथ एक्सो हो, स्कास हो, कालका मंदिर के मेट्रो स्टेशन, मैं तो इसको इस तरह चमक रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सोतेला व्यवहार, मैं तो ये समझता हूँ कि डीएमआरसी जो है वो इतना बड़ा एक कंपनी है, पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो को जो है ना वो रन कर रहा है, और पूरा मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है वो, लेकिन यहाँ हमारा जो नुमाइंदा है ये उनका फेलियर है कहीं ना कहीं। यहाँ पे प्रशासन, शाहीनबाग थाना भी यहाँ से 200-500 मीटर होगा मुश्किल से, तो यहाँ लगातार वारदात भी होती है। हमारे इलाके के जो नुमाइंदे हैं शिकायत कर रहे हैं, जाकर कहाँ देगा आदमी अपनी शिकायत? सबसे पहले शिकायत अपने इलाके के नुमाइंदे को देगा आदमी, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो। उसने साफ मना कर दिया कि इससे कुछ होगा ही नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, आप मतलब आवाम को ये मतलब ऐसा हो गया कि शाहीन बाग वालों पे कि एहसान कर दिया मेट्रो ने, इधर आपको रास्ता ये एहसान कर दिया और इनकम सबसे ज्यादा हमारी है। वो ये भी कह रहे थे मैंने कहा भाई उधर डबल लिफ्ट है और डबल एस्केलेटर है और इधर कुछ नहीं है, तो कह रहे भाई उधर तो है उनका हक है, हमारा हक क्यों नहीं है भाई? उधर तो कुछ चढ़ते ही नहीं, हक कहाँ से आ गया? आप अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 20-22 रूपए का मिनिमम जो टिकट है, 50 रूपए का है सर अब तो, मैं तो मिनिमम की बात साइड का 50 रूपए का बन दी, मैं तो दोनों साइड की बात नहीं, मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। वैसे आप कितना भी चल रहा है एवरेज 25-30 रूपए पकड़ लीजिए, आप लाखों लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, लाखों लोग रोज 24 आवर्स, जो 11 बजे की टाइमिंग है मेट्रो की, पास है। आप जनरेट करिए, आपको एक अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा कितनी मोटी रेवेन्यू ये इलाका दे रहा है डीएमआरसी को। अगर वो डीएमआरसी ये चाहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई एहसान हम पे किया है, इलाके के लोगों पे कोई एहसान किया है,
तो बंद कर दे वो इसको। आपने कभी बैठ के जोड़ा है कितना पैसा मतलब रेवेन्यू होता होगा अंदाजा? करोड़ों रुपए रोज का है साहब। मैडम कुछ रोज का करोड़ों रुपए रोज का, करोड़ों रुपए रोज यहाँ से रेवेन्यू जो है ना डीएमआरसी को दे रहा है, इलाके के लोग करोड़ों रुपए रोज कमा रहा है मेट्रो यहाँ से। और एक छोटी सी यहाँ से सुविधा जो है बेसिक कोई इंडिविजुअल थोड़ा ही फायदा मांग रहा है, जनता के लिए, जनता के लिए, ये जनता के लिए बना है ना, तो जनता के लिए ये जो सीढ़ियां यहाँ बनी है, ऐसे ही एक एक्सीलेटर यहाँ से एस्केलेटर बन जाए, एक लिफ्ट यहाँ से लग जाए, ये शेड बन जाए पानी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी किसकी खराब हो रही है? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो जनता की ही होती है, जनता के पैसे से ही बनती है वो। तो ये बेसिक नेसेसिटी है, जरूरत है, और ये होना चाहिए। और ये मैं तो मानता हूँ इलाके के जो नुमाइंदे उनका फेलियर है, नहीं तो ये हो जाता अभी तक कई बार। अभी कुछ दिनों में सर्दी आने वाली है, कोहरा भी पड़ेगा, सब कुछ होगा, लोग यहाँ से विजिबिलिटी कम होती है, तो उसके ऊपर भी परेशानी हो जाती है लोग। इतनी ज्यादा परेशानी है बारिश में, तो इतनी ज्यादा परेशानी कि हम निकल नहीं सकते, रुक रुक के खड़ा होना पड़ता है निकलने के लिए, और अंधेरा भी रहता है और बारिश भी रहती है, तो निकलने की हिम्मत भी नहीं बढ़ती है यहाँ पे। तो डीएमआरसी को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हम यही चाहते हैं। सर वहाँ एक सीढ़ी जरूर और दिखा दे, वो ले लेंगे हम, अभी ले लेंगे। अब आपका अगला कदम क्या है, आप क्या करेंगे ये बताइए। देखिए हमने ये इनिशिएटिव आज लिया है इंशाल्लाह, और इसको हम अंजाम तक पहुँचाएंगे। लिखित में डीएमआरसी का जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो यहाँ के जिम्मेदार है, उनको भी हम शिकायत देंगे, और जो इलाके के हमारे जो यहाँ के एमपी हैं, हम उनको भी शिकायत देंगे कि बहुत छोटा काम है, बड़ा काम नहीं है ये। 10% कह रहे हैं हमारे जनाब, मैं कह रहा हूँ ये तो उससे भी छोटा काम है, बहुत बेसिक काम है ये। और किसी को क्यों नहीं दिखता शहजाद साहब, सिर्फ शहजाद अली को ही क्यों मुद्दे दिखते हैं? शहजाद अली जनता के साथ जुड़ा हुआ है, शहजाद अली चमकना चाहते हैं। आप समझिए, शहजाद अली तो अभी वहाँ रास्ते के लिए भी खड़ा हुआ था, जनता के साथ कनेक्ट है वो जमीन पे है, और किसी को तो नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी को नहीं दिखते मुद्दे। अगर अगर इलाके के इतने जिम्मेदार लोग होने के बाद और शिकायत करने के बाद वो लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा, आप समझिए। और कहीं ना कहीं यही वजह है जो इलाके से वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए जा रहे हैं, जनता से दूर होते हुए जा रहे हैं। अगर आपको चुना है जनता ने, तो इसलिए चुना है कि आप अपने इलाके के जो मसले मसाइल हैं उनको उठाएं। आपके ये बिल्कुल आपका हक है, और इसीलिए चुना है आपको कि आप इलाके के नुमाइंदे हैं। शायद आप पावरफुल पार्टी से इसलिए आप बोलते रहते हैं, हो सकता है लोग डरते हो इस चीज से। साहब पार्टी तो प्लेटफॉर्म है, बोलने के लिए कोई आवाज बंद कर रखी है क्या? अभी वहां रास्ते पे भी खड़ा हुआ था ना शहजाद, और नहीं बंद होने देगा इंशाल्लाह उस रास्ते को। अब ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं आवाम के साथ जो कनेक्ट होगा वो मुद्दों की बात करेगा, और इसको भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तो इससे पहले आपने स्टे माफिया वाला मसला देखा है, हुआ ना हल? आज कहीं ना कहीं भाग गए ना इलाका छोड़कर, कार्रवाई हो रही है ना, कानूनी कोर्ट में भी है। तो ये देखिए, जब आप काम करते हो, आपकी नियत में इखलास होता है, ईमानदारी होती है, तो रिजल्ट आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, हाँ जिम्मेदार लोग, ये सारे लोग यहाँ के लोकल ही हैं, काफी भीड़ है यहाँ पर, लोग देख रहे हैं कि मतलब कितना परेशानी है इस मेट्रो स्टेशन पर। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब क्या होना चाहिए आगे? ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे स्लाइडर लगना चाहिए, और हमें लिफ्ट हमें मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ पे, और जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका कुछ परसेंट तो हमारे ऊपर लगना चाहिए। जितना जनरेट हो रहा है उतना कहीं से नहीं हो रहा है, शाइन बाग से हो रहा है। एक चीज और है जो हो रही है, यहाँ नशाखोरी भी हो रही है, इस अंधेरे की वजह से यहाँ कुछ लोग बैड एलिमेंट्स भी बैठते हैं। आप देखेंगे इसके इस स्टेयर्स के नीचे जाकर, वो ऐसे एलिमेंट है कि वो क्राइम करते हैं, जनता यहाँ से आती जाती उनके साथ में वारदात होती है, छीना झपटी होती है, फोन छीने जाते हैं, चेन छीनी जाती है। सही कह रहे हैं शहजाद अली, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ होता है ये सब कुछ, आप देख लीजिए इस टाइप से जाके यहाँ से वहाँ तक 200 मीटर का ये एरिया पैसेज है, ये 200 मीटर के पैसेज में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, तो क्या होगा? लाइटिंग नहीं है सबसे, लाइट तो लगी हुई लेकिन काम नहीं कर रही, वो देख रहे हैं सामने। डीएमआरसी से हम ये चाहते हैं कि डीएमआरसी इस पे ध्यान दे, अपनी उसकी प्रॉपर्टी है। ये तो आपने बीरबल वाली खिचड़ी की बात करी, एक लाइट लगी हुई है वो खराब है, अब वो खराब अल्टीमेटली लगी हुई से क्या मतलब है, जो चल नहीं रही ना, जल नहीं रही है वो, अगर वो चालू नहीं है तो लगने से क्या मुराद है? ऐसे तो एस्केलेटर भी लग जाए और चालू नहीं है, बात तो चालू की है ना कि जनता को एक सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए, और उसका हक है ये, कोई एहसान नहीं है ये तो शाहीन बाग का हक दिलाएगा शहजाद। ये डीएमआरसी जो है एहसान नहीं कर रही है जी, यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए रोज यहाँ से वो कमा रहे हैं, और इसके लिए अगर वो नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे बैठ के इंशाल्लाह, और ये हक जो है उनसे छीन के लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। आप मेट्रो जा रहे हैं अभी? मेट्रो जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मेट्रो से आप अभी? गुड़गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट होनी चाहिए या नीचे? बहुत जरूरी है लिफ्ट। जो लोग बीमार हैं, जो पेशेंट हैं, उनका क्या हाल होता होगा? तकलीफ, तबीयत खराब है आपकी क्या? मतलब ये सीढ़ियों चढ़ने से? सीढ़ियों ने कर दिया? अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहा था? नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है। इसीलिए यहाँ नहीं आती हूँ। क्या क्या कहेंगे इस दिल्ली मेट्रो से? मैं कहूँगी लिफ्ट लगा दे और क्या। अल्लाह है, ठीक है। परेशानियाँ तो बहुत है, आप क्या क्या बताया जाए। यहाँ कोई चीज़ सही नहीं है, देख ही रहे आप। जैसे ये कचड़ा उचड़ा पानी उनी का लेके बहुत दिक्कत होता है। आदमी सोच वो जाते हैं, जिसको भी चलने में दिक्कत होती है आते जाने में। सर, दिल्ली मेट्रो में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आती है यहाँ से? आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग शाहीन बाग 7 नंबर। आप लोग क्या इधर से आना जाना करते हैं? यहीं से। अच्छा, जैसे धूप होती है तो गर्मी वगैरह लगती है? लगती है गर्मी। सीढ़ी क्या सही है, मतलब एलिवेटर चाहिए? हम लोगों के लिए सही है, लेकिन जो काफ़ी जुड़े होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है उधर चढ़ने उतरने में। काफ़ी लंबा भी है, काफ़ी दूर है, देख ही रहे हैं आप यहाँ से। दोस्तों, जब मेट्रो लिफ्ट होनी चाहिए। हाँ, लिफ्ट अगर लग जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, जो बूढ़े बूढ़े।